हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम इंडिया के 10 सबसे ऊंचे बिल्डिंग देखने वाले हैं। नंबर 10, अशोक टावर्स। अशोक टावर्स मुंबई के परेल एरिया में है। ये बिल्डिंग 2009 में बनी थी और ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई 193 मीटर्स यानी 633 फीट है। इस बिल्डिंग में 49 रेसिडेंशियल फ्लोर है और इसे पेनिनसुला लैंड लिमिटेड ने बनाया है। नंबर 9, विवरिया 1, 2, 3। विवरिया टावर मुंबई के महालक्ष्मी जैकब सर्कल में है। ये बिल्डिंग 2012 में बनाई गई। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस टावर की ऊंचाई 200 मीटर्स यानी 659 फीट है। इस बिल्डिंग में 45 रेसिडेंशियल फ्लोर्स है और इसे के राय जैकब ने बनाया है। नंबर 8, लोधा प्राइमेरो। लोधा प्राइमेरो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में है। ये 2014 में बनाई गई। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 201 मीटर्स यानी 659 फीट है। इस बिल्डिंग में 52 रेसिडेंशियल फ्लोर है और इसे लोधा ग्रुप ने बनाया है। नंबर 7, कोहिनूर स्क्वायर। कोहिनूर स्क्वायर मुंबई के शिवाजी पार्क एरिया में है। ये 2013 में बनाई गई। इस बिल्डिंग में आपको होटल, शॉपिंग मॉल और रेसिडेंस भी मिलेंगे। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 203 मीटर्स यानी 666 फीट है। इस बिल्डिंग में 52 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग को कोहिनूर सिटी एनएल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। नंबर 6, ऑर्चिड इनक्लेव 1 और 2। ऑर्चिड इनक्लेव मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट एरिया में है। ये 2013 में बनाई गई। ये बिल्डिंग पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 210 मीटर्स यानी 689 फीट है। इस बिल्डिंग में 52 फ्लोर्स है। इसको डीबी रियलिटी ने बनाया है। नंबर 5, लोधा बेलिसिमो ABNC। लोधा बेलिसिमो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में है। ये बिल्डिंग 2012 में बनाई गई थी। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 222 मीटर्स यानी 728 फीट है। इस बिल्डिंग में 53 फ्लोर्स है और इसे लोधा ग्रुप ने बनाया है। नंबर 4, वर्ल्ड क्रेस्ट। वर्ल्ड क्रेस्ट मुंबई के लोअर परेल एरिया में है। ये बिल्डिंग पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसे 2014 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 223 मीटर्स यानी 732 फीट है। इस बिल्डिंग में 57 फ्लोर्स है और इसे लोधा ग्रुप ने बनाया है। नंबर 3, लोधा फ्यूरेंजा 1। लोधा फ्यूरेंजा मुंबई सिटी के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है। ये बिल्डिंग 2015 में बनाई गई। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 225 मीटर्स यानी 738 फीट है। इस बिल्डिंग में 62 फ्लोर्स है और इस बिल्डिंग को लोधा ग्रुप ने बनाया है। नंबर 2, आहूजा टावर्स। आहूजा टावर्स मुंबई सिटी के वर्ली एरिया में है। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 2014 में बनाई गई। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 250 मीटर्स यानी 820 फीट है। इस बिल्डिंग में 53 फ्लोर्स है। इस बिल्डिंग को आहूजा कंस्ट्रक्शन ने बनाया है। नंबर 1, इंपीरियल टावर 1 और 2। इंपीरियल टावर मुंबई सिटी के तारदेव एरिया में है। ये पूरी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ये टावर 2010 में बनाया गया था। इस टावर की ऊंचाई 254 मीटर्स यानी 833 फीट है। इस बिल्डिंग में 61 फ्लोर है। इस टावर को शपुरजी पोलनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। अगर आपको इंडिया की और भी ऊंची बिल्डिंग के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।